أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سارے احباب ایک مرتبہ درود شریف بآواز بلند پڑھ لو ذی قدر علماء کرام مومنین اہل سنت اج دی بڑی خوبصورت کانفرنس جدا بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے موضوع ہے تاجدار ہے ختم نبوت اے محفل کانفرنس سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت آپ دی ختم نبوت ہے بابرکت عنوان نال اس نو معنون کیتا گیا تے اے دی نسبت بڑی اچھی ویکھو نا ایک واری کل نے پھٹے نو آکھیا کہ یار میں تے ڈب جانا تے توں تر کس نہ جانا میں ترنا چاہنا پر میں تر نہیں سکدا پھٹا تے جان دے ہو نا تھی تو انج بیٹھے ہو کہ وہ میں مہنگا کیتا ہے پریشان بیٹھے ہو اللہ پاک نے جڑی زبان دیتی ہے نا جتھے بولنی بولنا چاہیے اتھے بول دے کوئی نہیں ہو تے جتھے نہ بولنا اتھے تہاڈی زبان بول دی بڑا ہے اتھے بولو ماشاءاللہ اکو ہی آواز آئی ہے اللہ قبول فرما لے کل کہن لگا میں ترنا چاہتا پر میں ڈوب جاؤں گا پھٹے نے آکھیا جی تو ترنا چاہتا ہے نا تو کسی ترن آلے نال اپنا تعلق جوڑ لے نہیں سمجھے کسی ترن آلے نال اپنا تو تو بھی تر جائے گا تو ساڈا تعلق ہی ترن آلے نال تارن آلے نال ہے ساڈے نبی نے کدی ڈوبیا نہیں ساڈے نبی نے تاریا ہے تے اے بابرکت محفل سونے دی نسبت دی ایتھے بہ کے تسی سا لو گے اللہ او دے تے بھی اجر تے ثواب عطا کرے گا تساں درود پڑھنا ہے تے ثواب میں اکثر جملہ کہندا تسی سنتے رہندے ہو کہ درود عبادت بھی ہے سعادت بھی ہے تے سونے نبی دے نیڑے ہون دا ذریعہ بھی ہے ایک مسلمان دا اے جملہ سی وہ ہر ایک نو کہندا کہ یار درود پڑھیا کرو مشکلاں بھی حل ہو جان گیاں تے رب کام بھی بنا چھڑے گا اونوں کوئی مسلمان لبیا تاں تے کوئی کافر لبیا تاں اونوں بھی یہی گل او دا گوانڈی ایک یہودی سی
वह बड़ा आवाजार हों, उन्हें आख्या मैं कोई ऐसा गबेड़ जिन पाँगा पसंद आ, पता लग जाता कि दरूद पढ़िया की होंगे। उन्हें एक अंगूठी बनवा के ना सोने दी आया, कहन लगा सजना तू मेरा गवांडी है, तो मैं सफर ते चलना, तो यह अंगूठी अमानतन अपने कोल रख लै, तो मैं जिदू आवागा ना उदू लै लवागा। उन्हें क्या ठीक है, उन्हें फड़ के ना सामने अलमारी दे अंदर रख छड़ी। यहूदी ने वेख लिया कि इन्हें किथे रखी, रात नू कंध टप्पी अंदर आया, अंगूठी कढ़ी ते नस गया, सवेरे सफर ते टुर गया। कश्ती दरम्याने दरिया जदू पहुंची ते इन्हें दरिया विच सुट छड़ी कि लै हुण पढ़दा रह दरूद। कई दिनों बाद जो वापस आया तो सीधा मुसलमान के बूहे ते अख लगा, उस दरवाजे ते दस्तक दिती है। मुसलमान ने बूहा खोलिया, ये इस्लाम का एक अखलाक है, आला सीरत है कि बूहे ते भावें काफर भी आ जाए उहदा इकराम करो, इज्जत नाल पेश आओ, इस्लाम का यही अखलाक है। बूआ खोलिया, आ जाओ बह गया। मुसलमान कहिंदा मैनू लगता है कि तुसी लंबा सफर करके आए हो ते तुहानू भुख लगी होनी है, लगी मैनू भी, ते मैं एक मच्छी लियांदी है ते मैं वह बनवांदा ते फिर दोनों खा लांगे। उन्हें कहा चलो ठीक। बीवी ने आवाज मारी कि भलीए दरा मच्छी बना। उन्हें जो चीरी उदे विचों फिर अंगूठी निकल आई। इन्हें आवाज मारी बीवी ने भले जरा इधर ते आओ, ए अंगूठी ओहो जी लगती है जिहड़ी साडे गवांडी ने दिती सी। इन्हें आख्या नहीं वह तो मैं अलमारी च रखी। कहिंदी वेखो हाँ, जो वेख्या तो अलमारी च अंगूठी है नहीं सन, मौजूद नहीं सी। इन्हें आके अंगूठी अच फड़ी, कहन लगा भलीए दरूद पढ़ो तो मुश्किल भी हल हो जाए, रब काम भी बना छड़दा। जेब च पाई रोटी, सालन बन गया, खाधा पीता। यहूदी आखन लगा ओ जी ओ मेरी अमानत। उन्हें पढ़ी, उन्हें नाल आखिया बई दरूद पढ़ो, नाल मुश्किल भी हल आउंदियां ने, नाल काम भी बन जाता। बिस्मिल्ला उन्हें कढ़ी हाथ फड़ के कहन लगा एलो अपनी अमानत ले लो। जो उन्हें वेखी ओदी अखियां अड्डिया अड्डिया रह गई, उतला साह तां थलड़ा ठां कि हो की गया। मगर जो रब किसी दे हदायत दे फैसले कर दवे, उन्हें जो वेख्या और मुसलमान का यकीन वेख्या तो ओदी अखां चो अथरू आ गए। उन्हें आख्या बस तेरी गल भी सच्ची है, तेरा नबी भी सच्चा है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। कलमा पढ़िया तो सोने का गुलाम बन गया। तो दरूद किन्नी बरकत वाली चीज है, इस वास्ते इहदे च कंजूसी ना करिया करो। जो भी महबूब का नाम आए दरूद पढ़ो, दस रहमतां, दस गुनाह माफ, ते दस दर्जे बुलंद। किड्डा मुफत दा सौदा, ना हिंग लगी ना फटकड़ी, हैं कुछ भी नहीं होया ते फायदा ही फायदा हो गया। ताजदार ए खत्मे नबूवत, ए खूबसूरत जलसा साडे माशाल्लाह अमीर नाइम साहब, हजरत मौलाना फियाज साहब, मजराबाद साहब और मौलाना खादम हुसैन साहब, ये सारे तुसी असी इस जलसे का ये जरिया बने। अल्लाह पा के मिल बैठना अपने दरबार के अंदर कबूल फरमा ले, आमीन कह दो जरा। अगर तुसी थोड़े थोड़े अगाहू आ जाओ ना तो जो बहरों बंदा आंदा आराम नाल बह जाएगा। इस तरह वो बेचारा कभी अगाहू आंदा तो कभी पिछा, माशाल्लाह अल्लाह जजाए खैर दे, आराम नाल बस सहूलत अंदर आ जाओ। जेडे बाहर बैठे ने अगर उन्होंने
अंदर गर्मी लगती है फिर तो मैं नहीं कहता, जे नहीं लगती तो फिर अंदर आ जाओ। माशाल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर ता फरमाए। कहंदे ने साडे तबलीगी जमात वाले कहंदे ने हरकत में बरकत है, हरकत दे अंदर ही बरकत होंदी है। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार दा मैना ताज वाला, ताज वाला ते मेरा नबी ते ताज वाला भी है, मेराज वाला भी है। मेरे नबी कोई एक ताज ते नहीं, मेरे नबी कोल ते वेखो ते सीरत दा ताज एहो जिहा है कि एहो जिहा ताज किसे कोल नहीं। मेरे नबी कोल इमामत दा ताज है, मेरे नबी कोल इबादत दा ताज है, मेरे नबी कोल अखलाक दा ताज है, मेरे नबी कोल आला सबर दा ताज है, तहम्मुल और तफक्कर दा ताज है, तदब्बुर दा ताज है, सदाकत और शराफत और दयानत और अमानत दा ताज है, जलाल और जमाल दा ताज है, मेरे मुस्तफा कोल नबुव्वत दा ताज है, मेरे नबी कोल रिसालत दा ताज है, इसी तरह मेरे मुस्तफा कोल खत्मे नबुव्वत दा ताज है। रब ने जिस तरह सारिया शाना हजूर ते मुकाशड़िया ने, इस तरह नबुवत दा जड़ा सिलसिला रब ने तोरिया। पहले नबी जड़े धरती ते आए वो आदम अली सलाम, हजरत आदम तो पहले कोई नबी, होली बोलो सुन दे भेज लोकी, कोई नबी आदम अली सलाम तू पहले कोई नबी नहीं आया, ते हजूर तू बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये खत्मे नबूवत है। नबी किनू कहंदे ने, किसी ने बड़ा आसान जिहा तर्जमा किया, उन्हें क्या नबी ओ हुंदा है जिन्हें मेराज दी रात मेरे मुस्तफा दे पिछे नमाज पढ़ी है। कैसा तर्जमा सादा जिहा, नबी ओ हुंदा है जिन्हें मेराज दी रात मेरे मुस्तफा दे पिछे नमाज पढ़ी है। ओ नबी है जिन्हें पढ़ी नहीं, ओ नबी, ओ नबी नहीं। हुण वेखो मिर्ज़े कादियानी नूं किसे कोने च खलोता होए, किसी सैड ते जुतियां वाली थां ते किते खलोता होए, किते नजर नहीं आंदा, मतलब होया कि नबी नबी है ही होवे जिहड़ा मेरे मुस्तफा दा मुक्तदी होवे। मेराज दी रात जड़े मेरे मुस्तफा दे मुक्तदी बने नबी ओ ने। तोरे आदम अली सलाम तू मुकाई गल अपने सोने नबी ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। हर नबी नू रब ने मौजजात दिते ने। मौजजा की हुंदा है, हाथ नबी दा हुंदा है, मगर कुदरत ते हुक्म किदा, अल्लाह दा। ये कौन ने, कलीमुल्ला ने, कोहे तूर ते खलोंदे रब नाल गल्लां हो जांदियां। ए मेरे मूसा तेरे हाथ च की अल्लाह लाठी है, की करदा है, बकरियां दे पत्ते पुत्ते झाड़दा, टेक ला लंदा, ए जरा थले सुटो, थले सुटिया तो सप बन गई, आखिया फड़ो, फड़ी तो फिर लाठी बन गई, ए हाथ अपना ए बगल च दो दिता, जो बाहर कढ़िया तो चन वग चिट्टा तो चमकन लग पिया, ए मेरे मूसा ए लाठी पत्थर ते मारो, मारी तो 12 चश्मे जारी हो गए, ए मेरे मूसा ए लाठी दरिया ते समुंदर ते मारो, मारी तो 12 राह बन गए। जड़ा लाठियां मारे और 12 राह बन जान, जड़ा लाठियां मारे 12 चश्मे जारी हो जान, उन्होंने मूसा कलीमुल्लाह किया जाता है, तो जड़ा प्याली विच हाथ रख दे तो चश्मे जारी हो जान उंगलियां विचों, उन्हों ताजदारे खत्मे नबूवत किया जाता। अल्लाह ने इब्राहिम अली सलाम नू भेजिया, आप आए, आपनू बेटा मिल गया इस्माइल, बेटा मिल गया इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों नबी। हुण इसहाक अलैहिस्सलाम उन्हां दे बेटे याकूब नबी, याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे यूसुफ नबी, दादा भी नबी, अब्बा भी नबी, पोतरा भी नबी, यानी बेटा भी नबी। हजरत ज़करिया आ गए नबी, बेटा यहया अलैहिस्सलाम वो भी नबी।
बाप भी नबी, बेटा भी नबी, बाप नबी, पोतरा नबी। आओ ना हुन मैं जरा तुहानू मक्के दी धरती वल लै चला, मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे वल तवज्जो करो। बंदियां ने आंदियां रहना, किसी ने जांदे रहना। मौलाना तसव्वर साहब माशाल्लाह नुनार तू तशरीफ लाए, जानदे हो? फिर मेरे वल वेखो, आका तशरीफ लाए आप ते अब्बा जान। हुण मेरी पहली पिछली गल याद रखो तो गल समझ आएगी। इब्राहिम नबी, बेटे नबी, पोतरा नबी। हुण मेरे आका तशरीफ लाए आप ते अब्बा जान अब्दुल्ला मगर नबी, आप दे दादा अब्दुल मुतलब मगर नबी नहीं, हाशम नबी नहीं, अब्दे मुनाफ नबी नहीं, कुसई कलाब नबी नहीं, मुर्रा काब नबी नहीं, दादे परदादियां विचो नबी नहीं, बहुत ऊपर जाके हजरत इस्माईल अली सलाम नबी ने, मगर नीचे तक अब्दुल्ला तक वालद तक नबी कोई नहीं। हुण वेखो मेरे नबी करीम नबी बन के तशरीफ लाए, अल्लाह ने तीन पुत्र अता किए मगर पुत्रा विचो नबी नबी कोई नहीं। ईमान वाले हो, जदू मेरे मुस्तफा दे अब्बा जान नबी नहीं, दादा परदादा नबी नहीं, ते फिर मेरे मुस्तफा तू बाद आप दे बेटे नबी नहीं, जदू मेरे नबी दे पुत्र नबी नहीं बन सके, ते मिर्जा कैसे नबी बन सकता है? नहीं समझे गल? फिर मिर्जा जे बन दे ते फिर हजूर दे पुत्र बन दे, लेकिन रब ने पहले उठा लिया ताकि कोई आखे ही ना, बाद रोला पे ही ना, कोई पा दे रोला कि नहीं जी हजूर दा बेटा भी नबी है। रब ने उन्होंने पहले बुला के फरमाया और मैंने अपने सोने नु खातम नबीयीन बना के भेजिया जी। ये ताजदार खत्मे नबूवत है, सारी मनसब मकाम शाना अजमता मैंने अपने मुस्तफा ते मुकम्मल कर छड़िया ने। फिर वेखो ना खत्मे नबूवत कानफ्रेंस तुहाडे इत्थे मालोके च होण डई है, ते एक खत्मे नबूवत कानफ्रेंस आलम अरवा विच होई सी, जिदू सारियां रूहां सन, रूहां दी सूरत सी, ते ओ कानफ्रेंस किड्डी मुकद्दस सी कि उत्थे जिहड़े कट्ठे होए सन ना वह सारे नबी ते रसूल सन, सारे नबी ते रसूल सन। उहदे च रब ने वलियां नूं नहीं बुलाया, इमामां नूं नहीं बुलाया, मुहद्दिसां नूं नहीं बुलाया, मुफसरां नूं नहीं बुलाया। रब्बा इन्हां नूं भी बुला लैंदा, रब समझांदा नहीं मैं सिर्फ नबियां रसूलां नूं बुलाया। रब्बा क्यों? रब दसदा है कि मेरे मुस्तफा दे मुकाम नूं या मैं जानदा या कोई नबी समझ सकदा है, और किसी दी समझ नहीं आ सकदा। वज़ुहा दी शान की है, ये मैं जानदा या कोई नबी समझ सकदा है। वल्लैल दीयां ज़ुल्फ़ां दा मुकाम की है, अलम नशरा लका सदरक सीने दा मुकाम की है, वरफाना लका जिक्रक दा मुकाम की है, इनू या ते मैं जानदा या कोई नबी समझ सकदा है। ते फिर रब ने सारे नबियां नूं इकट्ठा कीता आलमे अरवा दे अंदर, ते अल्लाह अहद लैन रिहा, मुआहदा करवा रिहा किहदे कोलों? नबियां कोलों। अल्लाह फरमांदे ने वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबीयीन, जदों तेरे रब ने अहद लिया मुआहदा लिया नबियां कोलों रसूलां कोलों, ऐ मेरे नबियो जदों मैं रब तुहानू किताब दे छड़ां नबूवत दे छड़ां, तुसीं अपने इलाकियां दे अंदर जाओ मेरी तौहीद दा पैगाम सुनाओ, मेरी उलूहियत दा पैगाम सुनाओ, मेरी रबूबियत दा पैगाम सुनाओ, ऐ मेरी शाना ते अज़मत वाले ओ नबियो जदू अपनियां डिप्टियां तुसीं अदा करो फिर मेरी एक गल हो रही। अल्लाह सी तेरे नबी ते तेरे रसूल मौला जो डिप्टी
रोटियां लाएगा पूरियां करांगे असी ते बोल दे उदू अज तू बुलांदा तू आ असी सुन दे उदू अज तू सुनवांदा तू ए मौला असी टुर दे उदरां जिधर टोरदा तू आ असी वेख दे आ जो वखांदा तू ए ए अल्लाह असी हाजर ड्यूटी की ए अहदो मोहदा की ए अल्लाह फरमांदा है सुम जाकुम फिर तुहाडे कोल एक मेरा रसूल आएगा अजमतां वाला शाना वाला बुलंदियां वाला मेरा प्यारा महबूब आएगा मेरा नबी करीम आन गए मेरे नबियो जदू मेरा सोना आ जाए लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना तुसा मेरे सोने नबी दा कलमा पढ़ना है तुसा मेरे नबी दा कलमे पढ़ना है मेरे नबी दी मदद करनी है अल्लाह उस नबी दियां डिफ्टियां की होनगियां फरमाया मुसद्दिक लिमा माकुम मेरा नबी तस्दीक करने वाला होएगा ईमान वाले हजरत तवज्जो फरमायो बात फिर समझ आएगी हर नबी नू अल्लाह ने इलम अता किता है कोई उम्मती नबी दे इलम दा मुकाबला नहीं कर सकदा मगर नबियां दे अंदर जेड़े दर्जात हुंदे ने वो इलम दे तबार नाल हुंदे ने साडे विच जेड़े दर्जात हुंदे ने इलम ते अमल दोनों दे तबार नाल हुंदे ने नबियां दे अंदर अमल दे तबार नाल दर्जात नहीं इलम दे तबार नाल दर्जात हुंदे ने जिस नबी कोल ज्यादा इलम उनां दे दर्जात बुलंद ने वेखो अल्लाह फरमांदा है मेरा सोना महबूब मुसद्दिकुल लिमा माकुम मेरा नबी तस्दीक करने वाला है अल्लाह की भी तस्दीक करेगा फरमाया जो नबूवत तुहाडे कोल है ओदी तस्दीक मेरा मुस्तफा करेगा जिहड़ियां किताबां तुहाडे कोल ने उन्हां दी तस्दीक मेरा मुस्तफा करेगा ईमान वाले हो तस्दीक कोई करदा है जिन्नू इलम हुंदा है इलम ना होवे ते तस्दीक नहीं हुंदी अगर पिंड दा मेंबर वो जानदा ना होए अनपढ़ होए ते कोई बंदा ओदे कोल लैके जदू दरखास्त आंदा है ओ पहले पुछदा है पुत्तर की लिखिया है जरा मैनू सुना ता के मैनू इलम होवे इहदे उत्ते की लिखिया है मैं किहदी तस्दीक करनी है जिहदे कोल तस्दीक जिहदे कोल इलम हुंदा है वो तस्दीक करदा है ऐ कीहड़ी किताब है फरमाया तुरात इहदे नबी ने हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह दे नबी किताब तुरात एक किताब ज़बूर है ये नबी हजरत दाऊद अलैहि सलाम ये किताब अंजील है हजरत ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम उन्हां कोल तुरात मेरे नबी ने तस्दीक कीती है हजरत मूसा अलैहि सलाम को तुरात दा इलम हजरत दाऊद अलैहि सलाम को ज़बूर दा इलम हजरत ईसा अलैहि सलाम को अंजील दा इलम हुण वेखो ये तुरात भी किताब है ज़बूर भी किताब है अंजील भी किताब है चौथी किताब कुरान मजीद है हजरत मूसा अलैहि सलाम को तुरात दा इलम हजरत दाऊद अलैहि सलाम को ज़बूर दा इलम हजरत ईसा अलैहि सलाम को अंजील दा इलम मेरे नबी करीम को किदा इलम है अल्लाह फरमांदा है मुसद्दिकुल लिमा माकुम मेरा नबी तस्दीक करने वाला है किदी तुरात दे तस्दीक को करदा है जिनू इलम हुंदा है मेरे नबी को तुरात दा इलम तस्दीक को करदा है जिदे कोल इलम हुंदा है आपने ज़बूर दी तस्दीक कीती ज़बूर दा इलम आपने अंजील दी तस्दीक कीती अंजील दा इलम ए तीन किताबां दा इलम आप कोल ते चौथी किताब है ज़ालिकल किताब ला रैबा फी हुदल्लिल मुत्तकीन चौथी किताब कुरान दा इलम भी मेरे महबूब कोल चार किताबां दा इलम मेरे महबूब कोल इसी वास्ते रब ने सारे नबियां दे अंदर अपने महबूब नूं अजमतां ते शाना अता फरमाईयां ने शाना ते अजमतां अता फरमाईयां बुलंदियां अजमतें भी कमाल आपकी देवी कमाला आपकी फिर के देखा न मिल सकी मेरे आका
मिल सकी मेरे आका मिसाल आपकी जुल्फ वल्लैल रुख वज़ुहा मुश्क अंबर पसीना तेरा मुश्क अंबर पसीना तेरा और जिस पे रश्क करे कितनी प्यारी है चाल आपकी अजमते भी कमाल आपकी रिफते भी कमाल आपकी तस्दीक तौरात दी तस्दीक अंजील दी तस्दीक ज़बूर दी तस्दीक सारे नबी कह रहे ने अल्लाह असी तेरे सोने उते ईमान भी लियावांगे सोने दी तस्दीक भी करांगे मेराज दी रात अल्लाह पाक ने सारे नबियां नूं मस्जिद अक्सा दे अंदर जमा कीता आदम तो लेके ईसा अलैहि सलाम तक सारे नबी इकट्ठे ने हुण हजूर तशरीफ लाए जिब्रील अलैहि सलाम ने कमली वाले नूं मुसल्ले ते खड़ा कीता आप मुसल्ले ते खड़े हो गए सारे नबी हजूर दे पिछे खड़े ने आप नबी नहीं हुण इमामुल अंबिया ने सारे नबियां दे इमाम बने नबी मुक्तदी बने नमाज मुक गई नबी हजूर वल वेखदे पे ने अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे नबियां नू भी ओ कहना पिया आका तेरे जिहा रसूल आका दो जहान दे पिछे खड़े ने रब ने फरमाया आलम अरवाला जड़ा वादा किता हजे आज पूरा करो अगे मेरे मुस्तफा पिछे सारे नबी दशरे हुण बुआ बंद हो गया जे हुण किसे ने अंदर वड़ना नहीं जे आपने फरमाया नबुवत दी जड़ी इमारत सी ओदी अंदर एक इट ते रोड़े दी जगह बाकी सी ओ रोड़ा ते इट मेरे आन ते मुकम्मल हो गया हुण इस इमारत दे अंदर किसी छोटी जी चिप्पड़ दी भी जरूरत नहीं ते मुकम्मल हो गई है ये नबुव्वत दी इमारत मेरे ते मुकम्मल हो चुकी है हुण किसे दे आन दी लोड़ नवे दे आन दी लोड़ नहीं रही ये क्या जांदा है कि ए खत्मे नबुव्वत हजूर ते रब ने नबुव्वत नू खत्म कर छड़िया है ईमान वाले हो अल्लाह पाक ने जो भी नबी दुनिया दे अंदर भेजे ने हर नबी नू अजमत और शाना दे के भेजिया ने और नबी ते होंदे ही कमाल आले ने नबी ते होंदे ही जमाल आले ने एक बंदा कहंदा है मैं इमाम मुस्लिम ने पहली जिल्द के अंदर ये रवायत नकल की है खसायसुल कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सियूती ने भी कि एक बंदा कहंदा है कि मैं ना अपनी कौम के बुतों तो बड़ा तंग सा कि कौम बना के उन्होंने पूजती सी बना के यानी बनाती कौम तो बनने वाले पूजती सी देखो ना इंसान की अकल चाहिदा तो यह सी ना जिहड़ा बनता है वो बनाने वाले नूं पूजदा लेकिन इत्थे जिहड़े बनांदे सन तो बनन वालेयां नूं पूजदे सन पत्थरां नूं बनाया तो पूजिया नक बनाए कन्न बनाए अल्लाह फरमांदा है कि किन्ने मजबूर रब सन उन्हां दे कि अगर उन्हां दे अगों जिहड़ा हलवा खीर उन्होंने रखी है तुहां तों पकानी छड़ छड़ी घिओ बड़ा महंगा हो गया पकाते हो अली भी कोई नहीं बोलिया लेकिन हाँ तो फिर भी खानी खानी अलहमदुलिल्लाह हजार रुपये किलो हो जाए साड़ी किस्मत जो है अह खाना ही खाना तुम ना सड़िया करो सानू वेख के
परेशान ना हो मौलवियां नूं दुआवां दिया करो। वेखो असी दुआ देंदे और मौलवी वह मौलवी नहीं हुंदा जिहड़ा कौम वास्ते दुआ ना करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबख्ती दी अलामत दसी है उस इमाम दी कि जिहड़ा इमाम अपने वास्ते ते दुआ करे अपने मुक्तदियां वास्ते दुआ ना करे। जिहड़ा सिर्फ अपने वास्ते रब्बा मैनूं देई जा, आका ने फरमाया बदबख्ती दी अलामत है कि जिहड़ा अपने वास्ते ते दुआ करदा है लेकिन अपने पिछे पढ़ने वाले नमाज पढ़ने वाले वास्ते दुआ ना करे, फरमाया ये बदबख्ती दी अलामत। तो मौलवी तो बेचारा कब्र ते खलो के भी तुहाडे दुआ कर रहा, सारी उम्र तुहां गालां कढ़ियां हुंदियां, वो फिर भी कहिंदा मौला इहनूं माफ़ कर। माशाल्लाह शाह साहब आ गए ने ते असीं हुण जा रहे हां। वा आखिर दावना अलहम्दुलिल्लाह।